हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज की डेट है 26 फेब, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना लंच रूटीन। बहुत दिन के बाद मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके साथ यही शेयर करती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं बना रही हूँ आज लंच में आलू पालक की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, हींग डाल दी है थोड़ी सी, उसमें डाला है ज़ीरा, और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन। इनको बारीक बारीक काट के डाल दिया है मैंने, और बस इनको थोड़ा सा भून लूँगी हल्का सा ही, और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें आलू। हल्दी मैंने इसलिए डाली है पहले से क्योंकि जब मैं हम पालक ऐड कर देते हैं ना, तो आलू में हल्दी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए मैं पहले आलू को सॉफ्ट कर लूँगी नमक डाल के, उसके बाद फिर मैं पालक ऐड करूँगी। तो ये मैंने आलू डाल दिए हैं, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इसको ढक कर के रख दूँगी सॉफ्ट होने के लिए, और उसके बाद फिर इसमें पालक ऐड करूँगी। तो मैं आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले के साथ नहीं बनाती हूँ, और बस ये मैंने ढक कर के रख दिया है। तो आज ना सुबह से ही जल्दी जल्दी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बात आपसे बाद में करूँगी, पहले अपना जो लंच है वो बना लेती हूँ। और इस टाइम पे हो रहा था, दोपहर के बज रहे थे 12 साढ़े 12 समथिंग, और सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया था। तो ये आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और पालक को मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था फ्रिज से अच्छे से धो करके, और इसे मैंने काट लिया है, और बस ये पालक डाल देंगे। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मुझे ना पतली जो पालक की सब्ज़ी होती है वो पसंद नहीं आती, आलू पालक दोनों ही खा लेते हैं, तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि दाल के साथ में आलू की पालक की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और मेरे पास कमेंट आया था, दीदी आप ग्रीन वेजिटेबल कम खाते हो। नहीं, ऐसा नहीं, अब गर्मी आ जाएंगी तो सारी ग्रीन वेजिटेबल ही आती हैं गर्मियों में, तो खाते हैं। और बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पहले तो आलू में ही डाला था, अब मैंने पूरी सब्ज़ी के हिसाब से डाल दिया है, और इसको ढक कर के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। पालक बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो बस 5-10 मिनट के बाद ये पालक बनके तैयार हो गई। बीच बीच में मैंने एक दो बार देख भी लिया था, और अब इसमें हल्का सा पानी आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको खोलकर ही भूनूंगी, मतलब इसको ढकना नहीं है। अब ढकने से क्या है, थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो ये बन तो गई है लेकिन इसको हल्का सा मैं भूनूंगी, उसके बाद इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसको मैंने हाई फ्लेम कर दिया है गैस का, और 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लूँगी, और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला बस। इसके बाद इसमें मैं कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च मैंने ज़्यादा सी डाली है इसमें, मुझे लाल मिर्च नहीं डालनी पड़ेगी, और धनिया पाउडर भी मैं नहीं डालती हूँ। आप चाहे तो इसमें हरा कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था। अब मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया है, और इसमें बना रही हूँ दाल। तो दाल मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ, वैसे बॉईल करके बाद में तड़का लगाते हैं ऐसे भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा जल्दी में हूँ तो डायरेक्ट ही इसको बना देती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। मैंने ऑयल डाला है कुकर में, उसमें डाला है हींग जीरा, और ये मैंने प्याज डाल दिया है, एक लहसुन डाल दिया है, और हरी मिर्च डाल दी है, और यहाँ मैंने 1 से 1.5 टमाटर काट के रखे हैं, तो ये भी मैंने डाल दी है। प्याज अच्छे से भुन गई थी, और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, जैसे टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। तो मैं वैसे घी में तड़का लगाती हूँ, लेकिन घी मैं इनको आजकल दे नहीं रही हूँ क्योंकि गले की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैंने ऑयल में ही तड़का लगाया है। और इसमें डाल रही हूँ मसाले, थोड़ा सा जो धनिया पाउडर है वो डाल दिया मैंने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ही ज़्यादातर मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा रखी हुई है, अभी आ भी रही है सही से इसलिए। और बस ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब भून लेंगे इनको थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दाल धो करके रखी है, तो मैं बना रही हूँ आज मिक्स दाल। ये दाल मैं अभी मिली हुई लेके आई हूँ, कभी मिली हुई लेके नहीं आती हूँ मार्केट से, तो मैं क्या करती हूँ 5 दालों को मिक्स कर लेती हूँ, जो हमको खानी होती है वही, और जो दाल आपको ज़्यादा पसंद है उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो। तो ये मैंने 5 तरह की दाल ली है, और इसको मैंने धो करके भिगो करके रख दिया था 5 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से भीग गई थी, और मैंने ये दाल इसमें ऐड कर दिया है, और पानी ऐड कर दिया है। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितनी पतली आपको रखनी है, गाढ़ी रखनी है, तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि राइस के साथ नहीं खानी है, सिर्फ चपातियों के साथ खानी है, तो ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी। और इसमें नमक डाल दिया है, बस कुकर को रख देंगे। तो मैंने 2 बिसल ले ली हैं, और इसके बाद ही दाल बनके तैयार हो गई है, कुकर ठंडा हो गया था। इसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने घी नहीं डाला है। और बस ये दाल बनके तैयार हो गई कम मसाले के साथ, और कितनी अच्छी दाल बनी है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी। तो इसमें मैंने लिया है बेसन और आटा लिया है गेहूँ का, इसमें नमक डाला है, अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा मैंने मोयन डाला है, मतलब 1 से 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला था, मोयन उसी को बोलते हैं।
तो ये मैं मिस्सी रोटी इसी तरह से बनाती हूँ प्लेन वाली, और जो मसाले वाली होती है उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैं मिक्स दाल बनाती हूँ तो उसके साथ में मिस्सी रोटी ज़रूर बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आटा जो है वो गूँथ रही हूँ, डो लगा के रख दूँगी, जब तक थोड़ी देर के बाद रोटी बनाऊँ तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, फूल जाएगा, उसके बाद रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने डो लगा के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो बस इनके लिए फटाफट से प्लेट लगाऊंगी, थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, और यहाँ पे ये मिस्सी रोटी बन रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सच में। मिस्सी रोटी मतलब आप ऐसे भी खा लोगे तब भी अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इसमें बेसन वगैरह का फ्लेवर रहता है, अजवाइन डलती है। तो ये है इनकी थाली, मैंने घी नहीं लगाया है रोटियों से, आलू पालक की सब्जी बनाई है, मिक्स दाल है और मिस्सी रोटी है। तो यही हमारा लंच था और बड़ा ही टेस्टी था। कभी कभी जो सिंपल प्लेन हमारा लंच होता है ना वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पे मैं सारी रोटियाँ बना के तैयार कर लूँगी, इनको खिला दूँगी गरम गरम, क्योंकि जब घी नहीं लगाते ना तो गरम गरम रोटियाँ ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, सीधे मैं इवनिंग में यहाँ पे मैंने कपड़े लगा रखे थे मशीन में, तो 2 से 3 बार मैं कपड़े धुले हैं और कपड़े मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं मशीन को अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत धूल मिट्टी आती है, तो जैसे मुझे पता होता है कि कल मुझे कपड़े नहीं धोने हैं तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसे ही मतलब डीप क्लीन तो नहीं करती हूँ, इसको पूरा धो करके और मैं अंदर रूम में रख देती हूँ इसे अच्छे से ड्राई करके, और जब डीप क्लीन करती हूँ तो फिर इसके अच्छे से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो बस इसको मैं अंदर ले आऊँगी और उसके बाद बालकनी भी मुझे साफ़ करनी है। तो जब मैं मशीन लगाती हूँ बाहर तो दीदी बालकनी साफ़ करके नहीं जाती है, तो बस उन्होंने बोला कि दीदी मैं आज ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मैंने बोला ठीक है छोड़ दो, मैं पानी डाल के धो दूँगी। तो बस ये मशीन को मैं अंदर कर दूँगी, क्योंकि अगर बाहर छोड़ दूँगी ना तो ये कल तक पूरी तरह से गंदी हो जाती है। तो बस इसको मैंने अंदर रख दिया और मेरी मशीन में व्हील लगे हुए हैं तो अंदर बाहर करने में प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से चली जाती है। तो बस अब मैं पूरी बालकनी को साफ़ कर दूँगी, और आपको कुछ पौधे दिख रहे होंगे मेरी बालकनी में, ये बड़े वाले जो गमले रखे हुए हैं तो ये नीचे रखे हुए थे और नीचे काम चल रहा था तो ये भैया ने ऊपर रखवा दिए हैं सभी बालकनियों में एक एक दो दो पौधे, तो ये वही पौधे हैं। अभी मैं नर्सरी नहीं गई हूँ, अगर जाऊँगी तो आपको लेके ज़रूर जाऊँगी। तो ये डस्टबिन भी धुला हुआ तो है लेकिन बाहर रखा रहता है ना तो धूल मिट्टी आ जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है उसके ऊपर भी, और जब तक धोते नहीं है ना बालकनी को तो पूरी तरह से धूल मिट्टी जाती नहीं है, झाड़ू पोछा आप कितना भी कर लो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पानी डाल के धो ही देती हूँ, गर्मियों में तो मैं पानी डाल ही देती हूँ, सर्दियों में कम डालती हूँ। तो ये पूरी बालकनी को मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। तो बालकनी को साफ़ करने के बाद मैंने पौधों में भी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल ही दिया था और पूरा वाइपर से मैंने पानी निकाल दिया है, और इसके बाद अंदर जाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना एक फैमिली और शिफ्ट होने वाली है फ्लैट में, तो भाभी आने वाली हैं, तो बस उनका थोड़ा थोड़ा करके सामान आने लग गया है, तो उनसे बातें करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं, दिन भर उसी में निकल गया है। तो अभी इवनिंग में मैंने जो है ये सारे काम किए, नहीं तो ये सारे काम मुझे दोपहर में ही करने थे। तो यहाँ पे मशीन को मैं पूरी तरह से ड्राई करके रख दूँगी, और मैं इसको तुरंत ही बंद करके नहीं रखती हूँ, खोल के रखती हूँ जिससे मतलब इसमें स्मेल ना आए, और जैसे ही ये पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको पैक करके रख देती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ जब मुझे कपड़े नहीं धोने होते हैं 1-2 दिन तक, तो बस इसको मैं अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। इसलिए केयर जितनी हम अच्छी करेंगे अपनी सारी चीज़ों की तो वो और भी अच्छी से हमारे साथ में काम करती हैं और अच्छी रहती हैं, और अगर केयर नहीं करेंगी तो बहुत जल्दी ख़राब होने का भी डर लगता है। तो मैं हर चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ अपनी, तो मशीन को मैं हमेशा इस तरह से चमचमाते हुए ही रखती हूँ, और जब डीप क्लीन करती हूँ वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन कैसे करती हूँ। और मेरे पास एक और कमेंट आया था कि दीदी आप मशीन में कपड़े वॉश कैसे करते हो, वो ज़रूर शेयर करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी में कपड़े धुल दिए थे और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मुझे कैमरा लगाना है, तो सॉरी उसके लिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर जरूर करूँगी कि मैं मशीन में कपड़े कैसे वॉश करती हूँ।
तो आज मैंने सोच लिया था कि अपने सारे काम मुझे निपटा लेने हैं। तो बस मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप घी कैसे बनाती हो मक्खन से, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सुबह ही निकाल के रख दी थी फ्रिज से मलाई, और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो इसको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं होते हैं, ज़्यादा हाथ ख़राब नहीं होते हैं, बिना मिक्सर के भी आप घी बना के तैयार कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मैं हाथों से ही इसे फेंट रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया था वीडियो को, पूरा आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने ना ठंडा पानी लिया है फ्रिज का, ना मैंने गर्म पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी है बिल्कुल आरओ में से निकाल करके। आप चाहे तो मटके का पानी भी ले सकते हो। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ, और आप देख सकते हो हाथों से ही मैं इसे चला रही हूँ। आप चाहे तो बीटर से चला सकते हो या फिर फोक से भी इसे इस तरह से मिक्स कर सकते हो। तो आपको बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको इस तरह से चलाने में, कंटिन्यू चलाइए। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही आपका मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जा रही हूँ। ध्यान रखें एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, जितना ज़रूरत लगेगा उतना ही आप इसमें पानी डालें। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये मक्खन जो है वो अलग हो जाएगा, और ये जो आपको पानी पानी दिख रहा है ना दूध जैसा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, और उसके बाद आपका मक्खन बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हल्का सा अलग होने लग गया है दूध और मक्खन। तो मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी और इसको फिर से चलाऊँगी। इस प्रोसेस को आप मिक्सर जार में भी डाल के कर सकते हो, लेकिन उसमें ना मिक्सर जार ख़राब होता है, मिक्सर ख़राब होती है, हाथ ख़राब होते हैं और बर्तन भी ख़राब होते हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मुझे काम अपने निपटाने हैं, तो इस तरह से मैंने इसको बनाया था, और इस तरह से भी बहुत अच्छे से बन जाता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये देखिए दूध अलग हो गया है और ये मक्खन अलग हो गया, आपको ऊपर ऊपर मक्खन दिख रहा होगा। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया मक्खन, बन गया ना कितना फटाफट से। तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगे थे मुझे। यहाँ मैंने एक ले ली है कढ़ाई, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हो, मुझे इसमें ही घी बनाना है क्योंकि एक कढ़ाई मेरी मचने में रखी हुई है तो वो कल साफ़ होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। आप चाहे तो जो अपनी डेली वाली कढ़ाई होती है वो उसको भी ले सकते हो। तो जो मक्खन निकला है उसको इस तरह से हाथ में लेंगे और एक लड्डू जैसा बनाएंगे। इसमें जितना भी पानी दूध है वो हल्के हाथों से प्रेस करते हुए और इसका पानी पूरा निकाल देंगे, और इसको रख दूंगी मैं कढ़ाई में। तो जितना भी आपको मक्खन दिख रहा है वो इसी तरह से सारा मक्खन निकाल लेंगे, और इस पानी को आप रीयूज़ भी कर सकते हो, इससे आप कढ़ी बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा दही वगैरह मिक्स करके अगर ये खट्टा नहीं है तो। और अगर कढ़ी नहीं बनानी है तो आप इसका पनीर बना सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, और अगर आपको कुछ नहीं बनाना है तो आप इसे फेंक भी सकते हो। तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है, 8 से 10 दिन की मलाई होती है ना, इसलिए। तो बस ये मैंने कढ़ाई में रख दिया है, और आप देख सकते हो ये हमारा मक्खन बनके तैयार हो गया है। इससे बनाऊंगी मैं घी, बहुत ही जल्दी बन जाता है मक्खन बनाने के बाद घी। तो ये आप देख सकते हो मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है घी, आराम से बनता रहेगा, और इस टाइम पे हम अपने बहुत सारे काम भी कर सकते हैं या बैठ सकते हो, क्योंकि घी को देखना ही ऑल टाइम ज़रूरी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने लो फ्लेम करके रख दिया है, इसको बीच बीच में आती जाती हूँ और एक बार चला के चली जाती हूँ फिर से, और ये बन जाता है आराम से, कुछ चिपकने का डर नहीं रहता है नॉनस्टिक बर्तन में, और बहुत जल्दी बन जाता है। 10 मिनट लगते हैं घी बनने में, और आप देख सकते हो इसमें कम से कम मेरा घी बन गया था आधा, जो डेली वाला जिससे मैं रोटियां बनाती हूँ ना, डेली वाला जो मेरा डब्बा है वो आधे से ज़्यादा डब्बा मेरा भर गया था। तो इतना घी बन के तैयार हो गया था इतने मक्खन में, और ये आप देख सकते हो धीरे धीरे इसमें बॉयल आने लग गया है, और ऐसे ही इसमें आपको दिखने लग जाएगा ऊपर ऊपर घी आ जाएगा, और जितना भी जो मक्खन है वो नीचे रह जाएगा। तो आप देख सकते हो ये घी बन के तैयार हो गया है। इसको अभी ये पूरी तरह से नहीं बनाए, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो समझ लो कि आपका घी बन गया है। और बस इसको आप छान लीजिए अपनी छलनी से या फिर किसी भी साफ कपड़े में, तो ये आपका घी अलग निकल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैं एयरटाइट डब्बा लिया है, दीदी से साफ़ करवाया था, सुबह अच्छे से ड्राई हो गया है, और ये मैंने बनाया है ठंडाई प्रीमिक्स, जिसकी रेसिपी आपको शौरांजलि की रसोई पर मिलेगी। और मैंने जो ठंडाई बनाई थी ना वो मैंने ही पी थी, इनको मैंने गले के चक्कर में नहीं दी थी, लेकिन गाइस इतनी टेस्टी बनी है, आप एक बार शौरांजलि की रसोई पे जाके वो वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा, और होली पे इस ठंडाई को बना के ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।
आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे मैं इसको एयर टाइट डब्बे में भर रही हूँ और मिक्सर सॉरी उसमें फ्रिज में ले जाके रख दूँगी, और जब मुझे बनानी रहेगी तो मैं निकालूँगी और ठंडाई बनाऊँगी और इन्जॉय करूँगी। तो आप भी कर सकते हो इस रेसिपी को, एक बार ट्राई ज़रूर कर कीजिएगा। इवनिंग गाइस, तो बहुत टाइम के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत टाइम के बाद क्या, मॉर्निंग से ही बात नहीं की आपसे, इस व्लॉग में मैंने बात ही नहीं की है, रूटीन आपके साथ शेयर करती जा रही थी। हाँ क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे, टिकटॉक टिकटॉक की कुछ बात चल रही थी, अभी क्या चल रही थी बात, यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं इनको भी बड़ा शौक लगा है टिकटॉक बनाने का आजकल। शौक नहीं लगा, मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। दो वीडियो बनाया था आज, दो वीडियो बनाया था, उसमें मैं हारमोनियम बजा रहा था। हाँ। तो मुझे लग, इसमें मुझे पता चला कि ओरिजिनल वॉइस डाल सकते हैं, तो मैंने बनाया। ये भी टिकटॉक बनाते हैं, फॉलो भी फॉलो कीजिएगा इनको भी, है ना, करे फॉलो कर सकते हो बोल तो नहीं तो मैं दो दिन से सोच रही हूँ कि टिकटॉक बनाऊं, लेकिन कल तो मेरी तबीयत ठीक रही थी। आज मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं एक दो टिकटॉक जरूर बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, और अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। और अभी बज रहे रात के 9:30, हम लोगों ने डिनर कर लिया है, तो डिनर में मैंने कुछ खास नहीं बनाया इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया, जो हमने मॉर्निंग में बनाया था वही मैंने अभी बनाया, बस रोटियां गर्म बनाई थी और मैंने अपने लिए थोड़े से राइस बनाए थे, इनको बिल्कुल नहीं दिए मैंने, और इनको घी लगा के रोटी भी नहीं दे रहे हैं। आपने बोला था भैया को खीरे मत देना जीजू को, तो मैंने खीरे भी बंद कर दिए इनके, सब बंद है, ये बिल्कुल प्लेन खाना खा रहे हैं। और मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, सुबह से बात नहीं की, नहीं तो अब बोलोगे कि दीदी आप बस दिखाए जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब एक दो ही नाम मैंने नोट किए हैं, राघवेंद्र जैन जी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हैं लोकेश मालव जी, इनकी शादी है 11 मार्च को, तो हैप्पी मैरिज लाइफ भैया एडवांस में, और हमको भी बुला लेना शादी में आप भी इनवाइटेड हो गया शादी में, मैं भी चलूंगा देखो और एक कमेंट आया था कि मुझे नजर लग गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नजर नहीं लगी है, और अपने लोगों की नजर नहीं लगती, अपने लोगों की नजर नहीं लगती, आप लोगों की क्या नजर लगेगी मुझे तो। और हाँ एक कमेंट और आया था कि तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रही हो और दिखावा करती हो, तो ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब है मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं नहीं बनाऊंगी ना तो मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप कहाँ हो, कैसे हो, आपके वीडियोज नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सबका रिप्लाई करने से अच्छा है कि छोटे छोटे मैं वीडियोस बना देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब मैं आपके साथ हंसी खुशी वाला ब्लॉग शेयर कर सकती हूँ तो तबीयत खराब होती है वो भी तो आपको बताना जरूरी है ना, नहीं तो आप लोग सोचोगे दीदी कहाँ गई है, ब्लॉग नहीं बना रही है, तो मेरे पास कमेंट आने लग जाते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। मेरा भी मन नहीं था ब्लॉग्स बनाने का, लेकिन आप लोगों को वेट करवाना और आप लोग परेशान हो जाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि बना लेते हैं ब्लॉग, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाए थे, इसमें कोई दिखावा करने वाली बात तो है ही नहीं, तो जो भी कुछ हम डेली रूटीन में करते हैं अच्छा बुरा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ और मुझे खुशी मिलती है और मेरे प्यारे व्यूअर्स को, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को खुशी मिलती है, इसलिए मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। आप कुछ कहना चाहते हो अपनी राय में, हाँ क्या चीज़, आप कुछ कहना चाहते हो, ये देखो हाँ सुना नहीं होगा इन्होंने, एक्चुअली आपको बताइए कि दिल्ली के हालात कैसे हैं, दिल्ली की हालत बहुत बेकार है, पर ज्यादा भी ध्यान है और देखते हैं अभी हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कहीं भी नहीं, ठीक है सारी कुछ चीजें। हाँ। और ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा अगर दिल्ली में है वे लोग कि देखिए ये सब कुछ भी नहीं है, है ना, हम मतलब आपस में सब भाई भाई हैं, और कुछ लोगों तो को NRC CA के बताया ही नहीं है तब भी बोले नहीं है नहीं नहीं नहीं, मतलब भीड़ का हिस्सा बन के और उपद्रव करना गलत बात है, लेकिन अभी जो दिल्ली का माहौल है ना वो बहुत खराब हो रखा है, बहुत ज्यादा हर जगह मतलब दंगे हो रहे हैं, और इसलिए अच्छा है कि घर में बैठो कहीं मत जाओ, तो हम लोग तो अभी कहीं भी नहीं जा रहे हैं और ऐसा कुछ प्लान भी नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल तो घर पर ही हैं। तो चलिए फिर, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप सब लोग कैसे हो
मौसम सच में बहुत खराब चल रहा है, इसी के कारण हर कोई बीमार हो रहा है। मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि उनकी भी तबीयत खराब है, उनकी भी तबीयत खराब है। हाँ, ये मौसम बहुत बेकार है। सो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं तो अपना ध्यान रख ही रही हूँ, आप सब लोग मुझे सजेस्ट करते हो तो मैं आप सबको बोल रही हूँ, आप सब भी अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और हाँ, आप सभी के बच्चे जो है मुझे इतना लाइक करते हैं, मतलब मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है। सबसे पहले मतलब बच्चे ही बता देते हैं कि देखो दीदी आ गई है, दीदी का ब्लॉग्स आ गया है, लो मम्मी देख लो, तो इतनी खुशी मिलती है कि बता छोटे छोटे बच्चे मुझे इतना लाइक कर रहे हैं, वाओ मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैं वो सभी बच्चों को बहुत 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 सारा प्यार देना चाहती हूँ सच में। और अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मुझसे कौन कौन मिलना चाहता है दिल्ली में, जो दिल्ली में यहाँ पे रहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, तो मैं हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग आपसे कहाँ मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं, तो वो उसका मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि मुझसे कौन कौन मिलना चाहता है। अब तो मैं भी आप सभी से मिलना चाहती हूँ, मिस करती हूँ सच में। और आप एक्साइटेड हो मिलने के लिए? श्योर चलेंगे मिलने। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आप मुझे, ठीक है। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि को। और हाँ, आज मैंने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है शौरांजलि की रसोई पर, कब जाएगी ये नहीं पता, बस शूट कर दिया मैंने आज, लेकिन बहुत ही मस्त है सच में। और तो शौरांजलि की रसोई को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पेज पे, सबकी आईडी सेम है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि के नाम से, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से सारी मेरी आईडी है, आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, लव यू टू ऑल, बाय।